जब अनुरोध देखता है कि बहुत बुरी तरीके से हार गया है और उसकी गलतियों के साथ जना को मिलने वाली है, तो फैसला कर लेता है कि जना के पिता की सारी सच्चाई वो सबके सामने बताएगा। ये सच में काफी कॉम्प्लिकेटेड बन जाती है, जो सच में काफी मजेदार है उसके लिए। तो खैर बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग की, तो ये हॉल सी होती है। पहले तो तेजस सबसे परमिशन ले लेता है कि मेरे पास कुछ वीडियोज है जिसको मैं सबके सामने दिखाना चाहता हूँ और ये कश्मीरी शादी से रिलेटेड है, तो अगर यहाँ पे अगर इन सभी रिस्मों को एड किया शायद और बेहतरीन हो सकता है। और परमिशन लेने के बाद जैसे वीडियो प्ले करता है तो अब सांसें रुक जाती है। कई लोगों का तो सच में सदमा लग जाता है, अब उनको समझ नहीं आता कि आगे क्या होने वाला है। जैसे सच्चाई सामने आती है, जिसको सिंदूर लगाया था वो लड़की कोई और नहीं बल्कि जना की थी। अब धीरे धीरे तमाशा और बढ़ता है और अर्ची पहले ही शादी तोड़ देती है, और शादी तोड़ने के बाद में कहीं ना कहीं अनुरोध को बहुत बुरा भी लगता है, तो जिस कारण वो गुस्सा भी हो जाता है। शादी करनी है तो करो, नहीं करनी है तो मत करो, मुझे कोई सजा देनी है तो दो, लेकिन सच्चाई यही है कि ये शादी नकली थी, बस मैंने जान बचाने के लिए की। अब तेजस भी समझ जाता है कि देखो मैं तो अपनी रानी का इंतजार कर रहा हूँ, अगर तुम लोग अभी भी मुझे जना को दे देते हो, सौंप देते हो, तो मैं यहाँ से चुपचाप चला जाऊंगा, नहीं तो। अब बात ना हाथापाई पे धीरे धीरे बढ़ रही होती है और अब अनुरोध समझ जाता है कि ये शांति से मानने वाला है नहीं, या तो ये पीट के जाएगा या फिर पिटा करके। अब बहुत गुस्सा भी होता है, हालांकि घर वाले कई सारे एलिगेशन जाने पर भी लगाते हैं, लेकिन उसको तो बोलने तक का मौका नहीं मिलता। अब बात ये है कि देखो जो भी धोखा दिया था वो अनुरोध ने दिया, अनुरोध उसको यहाँ पे लेकर के आया, शादी की सारी बातें छिपाई और अब अनुरोध ही ये सारी कहानियां बना रहा था। वो नकली हस्बैंड बन करके सबके सामने आया, अब मजबूर हो जाता है कि वो रोता भी है, हंसता भी, अपनी गलतियों के लिए माफी मांगता है, बट कोई भी उसकी बातों को सीरियस नहीं लेता। अर्जुन को लगता है कि शायद अनुरोध मेरे लिए सही लड़का बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये तो धोखेबाज है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब पता चलता है कि वो शादी नहीं करेगी, लेकिन वो इसी घर में आकर के रहेगी, क्योंकि ये लिव इन रिलेशन में रहना चाहती है जब तक कि सब कुछ ठीक ना हो जाए। और ये बातें कहीं ना कहीं वो जब सृष्टि को बताती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है कि तुम ये क्या बकवास कर रही हो, जिस लड़के से तुम्हारी शादी हो रही थी तुम उससे शादी नहीं कर रही हो और ये सारी चीजें। अब धीरे धीरे तमाशा जो क्रिएट हुआ होता है, हालांकि इसके सामने एपिसोड की एंडिंग की जाती है, पर पोस्ट क्वेश्चन ठीक ठाक और मजेदार भी है। बात ऐसे कि देखो सृष्टि तो उसकी पहले फैसले से गुस्सा होती है कि तुम एक मेड के कारण अपने रिश्ते को नहीं तोड़ सकते, सारे तमाशा मत करो आगे और क्या होगा। लेकिन जो फोटोज़ जो सारी वीडियोज मीडिया में सामने आई होती है, इसके कारण तो उसके परिवार की बहुत ज्यादा बदनामी हो जाती है, साथ में अर्ची के भी करियर पे ठप्पा लग जाता है। लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब घर वाले फैसला करते हैं कि जना को हम घर से सुबह के सुबह निकाल दें, क्योंकि रात हो चुकी है तो अभी हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन हप्पू की माँ उसे बताती है तुम्हें खुद के लिए स्टैंड लेना होगा, क्योंकि अब जनक भी सारे उम्मीद छोड़ देती है कि अगर तेजस मुझे अपने साथ ले जाना चाहता है तो मैं उसके साथ चली जाती हूँ, वो मुझे मारे जिंदा जला कुछ भी हो जाए लेकिन मैं अब उसके साथ ही रहूँगी, मैं यहाँ पे रह करके अपनी बदनामी और नहीं सह सकती। तो बोलते हैं कि तुम्हें कुछ भी करके बस अपना हक तुम्हें वापस लेना होगा, और उसे इस कदर मैनिपुलेट कर देती है कि अपनी वादा कसमा ये जो भी चीज़ें होती है ना उन सबको पाने की फिर से फिराक में लग जाते हैं, जो उसमें काफ़ी मज़ेदार है। लेकिन एक और छोटा मोटा ट्विस्ट है, 50-50 मान लो कि अब जहाना को जब सुबह सुबह घर से निकालने की पूरी तैयारी हो जाती है तो अनुरोध के मन में सवाल चल रहा होता है कि क्या करे, वो इसके डैड की जो सच्चाई है वो बता दे। हालांकि डर इसको ये होता है कि मैं जब इसे सारी सच्चाई बताऊंगा क्या ये इस सदमे को बर्दाश्त कर भी पाएगी या नहीं, आने वाला समय कैसा होगा, क्या होने वाला है ये भी मुझे नहीं पता है, लेकिन दिल पे पत्थर रख करके पहले तो बताता है। लेकिन और बेहतरीन हो जाते हैं, मतलब ट्विस्ट ट्विस्ट भरा हुआ है इसमें। एक और मॉडलिंग का ऑफर आ जाता है और ये बहुत बड़ी उसी कंपनी की होती है और साथ में एक कॉम्पिटिटर कंपनी भी इसको मॉडलिंग के लिए ऑफर देती है, और अब पता चलता है कि भाई गुरुजी भी उसमें इन्वॉल्व है और गुरुजी के साथ में मॉडलिंग करनी है। थोड़ा सा अजीब है लेकिन अनुरोध के लिए ये बहुत मजेदार भी कि इसी के सहारे वो अपनी बात रख सकता है जाना के सामने कि तुम जिसके साथ में काम कर रही हो वही तुम्हारे पिताश्री हैं, और अब सच्चाई को जानो और अपने जीवन का जो भी निर्देश है उसका पालन करो और आगे बढ़ो जाना, हम तुम्हारे साथ में हैं। देखना काफ़ी मजेदार होगा कि आने वाले प्लॉट्स में और क्या बेहतरीन चीज़ें हो सकती हैं।